हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट एक्ट फेयर। आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। कैंडिडेट्स सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह से सवाल उनसे पूछे गए। आपने कितने अटेम्प्ट किए? अप्रॉक्स 70। मेरा 75। आप बता सकते हैं हिस्ट्री से क्या सवाल थे? हिस्ट्री से बहुत कम ही था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं वो सब में, हिस्ट्री से बहुत कम ही था। एक दो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन याद है आपको क्या हिस्ट्री से? यही शायद मैंने जवाब नहीं दिया, एक गांधी से असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था, एक इब्राहिम लोदी शायद था, यही था, इसी एज में यही एक दो क्वेश्चन था। मतलब गांधी जी से सवाल था है ना? क्या अच्छा, असहयोग आंदोलन था, गांधी जी से सवाल नहीं था, कब हुआ, डेट था, डेट रिलेटेड था। और संविधान से सवाल थे क्या? क्या संबंध है? आर्टिकल को लेके सवाल थे क्या? कितने आर्टिकल होते हैं? अरे ये समानता का जो होता है ना, ये परिवार अफसर के समानता, इसका कौन अनुच्छेद है, ये पूछा गया था। और जियोग्राफी से कैसे सवाल थे? बांध को लेकर कोई सवाल था क्या? नहीं, बांध से रिलेटेड तो नहीं था, बांध से एकदम लो वीक था, लो पार्ट में था। और करेंट अफेयर्स का कोई सवाल आपको याद है क्या? अभी तो पाया, लेकिन सवाल था एक अमेजन का था, कौन सी हो, और एक गूगल का भी था। 2020 से कोई क्वेश्चन था क्या? 2020 से असहयोग आंदोलन था, अमेज़न वाला था, सीईओ ऑफ अमेज़न। और ये कंप्यूटर साइंस से कोई क्वेश्चन? यूएनओ का कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, यूएनओ को नहीं था, यूएनओ से नहीं था। डब्ल्यूएचओ से कोई क्वेश्चन? डब्ल्यूएचओ से नहीं, ये भी नहीं था। आप बता सकते हैं कि साइंस से कोई सवाल था? साइंस से तो बहुत सारा था, बायो से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन था, अम्लीय के बारे में था, वही साइंस से जो पाचन तंत्र कौन सा अम्लीय पाया जाता है। और सेल का कोई था क्या, मतलब कोशिका का कोई सवाल? कोशिका विश्लेषण में हेल्प कौन सा करता है, कौन सा सेल? और इससे था क्या कृषि से कोई सवाल, योजना वगैरह करके? कितने अटेम्प्ट किए आपने? 75% 75। आप लोग बता सकते हैं हिस्ट्री से क्या सवाल थे? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच कब लड़ाई हुई थी। और क्या सवाल थे? और साइंस से था और कुछ मैथ से था, जो ठीक ठाक था हिसाब। हिस्ट्री से कोई सवाल आपको याद है? वही तो बोले, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब युद्ध हुआ, और इब्राहिम लोदी बाबर को जो पराजित किया, कौन सा युद्ध है? तो ये बनाए थे 1526 में। और कोई आंदोलन से कोई सवाल? हाँ, था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जियोग्राफी से कोई बांध वाला कोई क्वेश्चन था क्या? बांध को लेकर कोई क्वेश्चन? बांध वाला क्वेश्चन नहीं था, वही का जो होता है वो था। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए थे इसमें? अच्छा, इकोनॉमिक से कोई क्वेश्चन था क्या, बताइएगा? प्लस एक जो उसका क्या बोल रहे, स्वच्छ भारत मिशन वाला था एक, मतलब क्वेश्चन था ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान से कोई सवाल कि यही समानता का अनुच्छेद जो है, समानता का जो है किस में है? और आप बता सकते हैं कि इससे साइंस से क्या सवाल थे, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, किस चीज़ से? इसमें बायोलॉजी से भी था, जिसमें था कि हमारे पेट में जो है किस अम्ल का होता है, और आंसू में जो होता है किस अम्ल के कारण, वही सब था। हाँ हाँ था। कोशिका से कोई सवाल था क्या, मतलब इसमें सेल वगैरह? ऑप्शन में था, कोशिका ऑप्शन में था, और प्लेटलेस और ब्लड। और रीजनिंग कैसा था, वो इजी था या फिर टाइम टेकन था? रेलवे का होता है वैसा ही रीजनिंग था, ये जो कहिएगा कि आसान था वो आसान भी नहीं था, जो विद्यार्थी के लिए होना चाहिए वैसा था। अच्छा, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन था क्या, मतलब कि जैसा कि अर्थ होता है, अर्थ पूछने वाला, समझ रहे, उस टाइप का कोई क्वेश्चन था क्या कि अर्थ बताना है? नहीं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था क्या? कोडिंग डिकोडिंग से था। क्वेश्चन आपको याद है क्या? बायोलॉजी से क्वेश्चन था। बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन था? बायोलॉजी से आपको क्वेश्चन था एड्रिनला ग्रंथि का जो है स्टर्बिज किस से उत्पत्ति होती है। और मैथमेटिक्स से आप क्वेश्चन बता सकते हैं कि ये जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी था, पूछे हुआ था। इसके बाद आपको जो है साधारण ब्याज से नहीं था क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत जो है पूछे हुआ था, 3-4 क्वेश्चन लाभ प्रतिशत से था, यही सब क्वेश्चन था।
तरह के एग्जाम रिव्यूज और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।